एग्जैक्टली उनके बच्चे बड़े प्यारे प्यारे हमारे बैठे हुए हैं और वो किस तरीके से सीख रहे हैं स्टेम एजुकेशन, एक इदारा जो कि स्टेम एजुकेशन पर काम कर रहा है, यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और एम से क्या था मैथमेटिक्स, यस मैथ्स मुझे याद है। तो समन है टीचर हमारे साथ हैं, सोहा, आयशा, वो छोटू सबसे शरारती बिलाल, एहसन भोली सूरत तो बिल्कुल ही नहीं, बहुत शरारती है और राहिम। हेलो, आप बताइए आपके सबसे पहले कि ये क्या है आप समझाएं हमें जरा। ठीक है प्लीज। स्टेम एजुकेशन अब्रॉड तो बहुत ज्यादा अरसे से चल रहा है बट इन पाकिस्तान इट्स लाइक फॉर 6 or 7 years से इन है। बेसिकली इस पे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हो रही है और ये ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। एक ट्रेडिशनल जो हमारा वे था पढ़ने का बोर्ड एंड चॉक से हम पढ़ते आ रहे थे उसको थोड़ा चेंज किया है, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया है। अभी अगर हम किसी पुराने जमाने के लोग से पूछें मैथ्स सब घबरा जाते हैं कि मैथ्स तो पसंद नहीं था और ये, लेकिन अगर आप अभी इन बच्चों को देखेंगे तो दे आर लाइकिंग मैथ्स बिकॉज दे आर डूइंग इन विद इन नो टाइम। आप इनसे क्वेश्चन करेंगे साथ ही करेंगे ना, मैं और श्रेप देखेंगे हम कोई सवाल भी नहीं करेंगे। बेसिकली इसकी 3 stages होती है, ये मेंटल मैथ्स कहलाता है। हम फिंगर से स्टार्ट करते हैं, एबेकस पे करते हैं और इमेजिनरी करते हैं। तो अभी हम आपको डेमोंस्ट्रेशन दोनों चीजों का दिखाएंगे। ये एबेकस है जो एंशिएंट कैलकुलेटर है उसको कह सकते हैं और ये बच्चे हमारे ह्यूमन कैलकुलेटर है। ये विदाउट, अब जो स्टेज पर आ गए ये विदाउट यूजिंग एबेकस भी आपको करके दिखाएंगे क्वेश्चन। तो शुड वी स्टार्ट? ओके so first we will do an abacus, फिर हम आपको इमेजिनरी भी करके दिखा देंगे। ओके, 0, 2, +1, +1, +5, -9, +2, +1 वेरी गुड, वाओ, अमेजिंग। अच्छा अगर अगर इसको ऐसे करें ताकि स्क्रीन पर नजर भी आए ना साथ साथ हो सकता है ऐसे उठा लें। बेसिकली इट्स नॉट द मैग्नेटिक वन तो ये इसको होल्ड करना पड़ता है। Okay, one more question. 22 + 22 + 35 - 99 + 33 + 11 + 55 - 99 + 22 + 55 My goodness, आप यकीन जाने अगर हम कैलकुलेटर से भी कर रहे होते तो शायद हम ना कर पाते। हमारे बच्चे जीत जाते Yes. आप हारने के लिए तैयार है? Okay, हम एक गेम खेलते हैं। आप लोग इस तरह से और शोएब अपने मोबाइल के थ्रू, ठीक है, कैलकुलेटर एक इधर है और आपके इधर इधर है, ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं जी। और मैं बिलाल की टीम हूँ। ओके, सीनियर्स वन विल डू ऑन इमेजिनरी, ये लोग विदाउट एबेकस करेंगे, छोटे वाले एबेकस पे करेंगे। ओके, यू कैन कीप योर एबेकस देयर। और ये छोटे छोटे से यूं हाथ से ऐसे कर रहे दोनों। ओके, शुड वी स्टार्ट? यस। जीरो वैल्यूज, 2 + 5 + 1 - 8 + 1 + 1 + 1 इस बार तो मैं क्लैप भी नहीं कर सकती। ओके, वन मोर क्वेश्चन, कैलकुलेटर हार चुका है, रखते हो। 55 + 11 - 66 + 22 + 11 + 11 + 55 छोटे वाले बच्चे हैं, दे आर डूइंग लाइक स्लोली, इनको अभी हम स्टार्ट पे लेकर आए, लोग जूनियर्स हैं, इसके डिफरेंट स्टेजेस पे हम काम करते हैं। फोर इयर्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इवन वी हैव डन इट फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एज वेल और वहाँ पर भी हमने वी बीट द कैलकुलेटर देयर एज वेल। तो इस तरह से ब्रेन डेवलपमेंट बेसिकली हो रही है, उन नॉट ओनली फॉर द कैलकुलेशंस, आपको ऐसा लग रहा होगा फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं बट बेसिकली ये इसको हेल्प आउट करेगी इनके लिए, इनकी मेमोरी रिटेंशन हो रही है। जैसे मैंने 9, 10, 11 नंबर्स बोले थे तो दे आर स्टार्टिंग रिटेनिंग द नंबर्स, तो इनकी मेमोरी रिटेंशन बढ़ रही है जो कि सिर्फ मैथ्स में नहीं और सब्जेक्ट्स में भी इनको हेल्प आउट कर रहा है। अच्छा, ये और सब्जेक्ट्स में कैसे हेल्प आउट करेगी? इनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, दे आर बीइंग फोकस्ड। आपने देखा होगा जब हम क्वेश्चन करते हैं तो दे आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर इमेजिनर, वहां पर फोकस स्किल्स इनकी इंक्रीज हो रही है, फिर डेफिनेटली रिटेंशन बढ़ रही है मेमोरी की, तो और सब्जेक्ट्स में हेल्प आउट कर रही है इनको, फिर लॉजिकल थिंकिंग इनकी बढ़ रही है। okay. और ये सब चीजें मिलकर जो है ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाती है। तो क्या लगता है, फॉर एग्जांपल क्लास 1 से ही स्टेम एजुकेशन होनी चाहिए? हमने तो इसको स्टार्ट करवाया है केजी से, केजी से 4 इयर्स के बच्चे हमारे पास आए हैं, वी हैव स्टार्टेड दिस।
ग्रेजुअली थोड़ा स्लो था बट वी हैव स्टार्टेड गुड एज इज क्लास वन डेफिनेटली फाइव इयर्स और सिक्स इयर्स द गुड एज टू स्टार्ट इट और बच्चे कर रहे हैं इसको सिर्फ इसमें एक रिक्वायरमेंट भी ये जरूर होगा उनके तो मुझे ये भी बताएं अगर आपके इदारे में बच्चा आया है के जी में आया है उसे और कहीं जाने की कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं या ये जस्ट एक एडिशनल चीज है एक सपोर्टिव चीज है ये एक सपोर्टिव चीज भी है और वी आर वर्किंग फॉर मैथ्स हम पाकिस्तान अलायंस ऑफ मैथ्स एंड साइंस के साथ भी काम कर रहे हैं वी वॉन्ट टू रिप्लेस इट विद द ट्रेडिशनल मैथ्स जो एक रिटर्न एंड राइटिंग था वो कैरी फॉरवर्ड का तरीका है कि सिर्फ ट्रेडिशनल मैथ्स को रिप्लेस नहीं आप ट्रेडिशनल जो स्टडी है उसको ही रिप्लेस कर रहे हैं और ये पढ़ने के लिए आप लोगों ही के पास आना पड़ेगा जो पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं और उनका इंटरेस्ट इस तरफ है तो वो अपने बच्चे को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं इसके लिए अच्छा वी आर गिविंग वर्कशॉप टू द पेरेंट्स एज वेल लेकिन डेफिनेटली बेसिक सीखने के लिए यू नीड टू कम टू अस और जो दूसरे सिटीज में है वहाँ वी आर गिविंग द ऑनलाइन थिंग्स बाहर से भी हमारे बच्चे आ रहे हैं जो ऑनलाइन हमसे ये चीजें सीख रहे हैं बिकॉज इट्स अ बेसिक थिंग इसको ट्रिक्स है इसको सीखना होगा आप इसको रीड आउट कैसे करना है इसको सीखना होगा बिकॉज आपने साइन लैंग्वेज तो देखी होगी तो वी आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज एज वेल इफ यू आस्क देयर शो फाइव एवरीवन शो फाइव दिस इज आवर फाइव नॉर्मली हम रखते हैं बट दिस इज आवर फाइव शो सेवन शो नाइन ओके 25 सो Till 99, you can count on your fingers without repeating any number. ये क्या है? ये क्या है? Too good. ये तो too good था यार. हमने आपको too good दिया. 55. जबरदस्त. तो ये तो too good है 55 है. Yes. This is 55. Five. संडे को बच्चों को ये बच्चे हमारे पास वीकेंड्स पे आते हैं फाइव डेज नहीं आते हैं तो ये एक मिनट एक मिनट रुक जाए दो दिन सिर्फ आ रहे हैं वीक में कितने वीकेंड्स के बाद ये इशारे बिल्कुल बेहतरीन हो जाते हैं आफ्टर टू क्लासेस दे कैन डू दिस लाइक दिस ये कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर टू क्लासेस और ही देर की क्लास होती है वैसे टू आवर्स अदर देन दैट हमारी टीम डिफरेंट स्कूल्स में जा रही है एंड वी आर कंडक्टिंग स्कूल्स ने बहुत इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने अपने मैथ्स के करिकुलम के साथ दे हैव मर्ज दिस सब्जेक्ट तो वी आर कंडक्टिंग क्लासेस देयर एज वेल तो उनके बच्चे भी इसको सीख रहे हैं बट वहां पर हमें टाइम लेस मिलता है बिकॉज दे आर हैविंग द यू नो दैट पर्टिकुलर लेसन ऑफ 40 मिनट्स तो आपने मुझे बताया कि दो क्लासेस लिए तो साइन लैंग्वेज तो आ गई लैंग्वेज तो आपको फर्स्ट क्लास में आ गई फर्स्ट क्लास में आ गई लेकिन कितनी क्लासेस के बाद इतने शार्प हो जाएंगे फर्स्ट लेवल करने के बाद दे आर डूइंग फर्स्ट लेवल कितने क्लासेस के बाद 16 क्लासेस 16 क्लासेस और दैट मींस 8 वीक्स यस यस ग्रेट एंड रोबोटिक्स उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी इसी के साथ पैरल हम लेके चल रहे हैं रोबोटिक्स को और रोबोटिक्स में बेसिकली वो भी ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लॉजिकल थिंकिंग इनकी इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों की उस पर दे आर वर्किंग ऑन द किट्स लेगो की किट्स होती हैं दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट देयर पर्टिकुलर रोबोट एंड दे आर गोइंग टू प्रोग्राम इट चार साल का बच्चा भी प्रोग्राम कर लेता है हाउ दिस इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्राम है तो वो भी प्रोग्राम कर लेता है बच्चा तो उसको भी हम लेके चलते हैं सर मुझे ये बताएं कि इतने अच्छे मैथ्स सीखने से क्या बाल भी अच्छे होते हैं इन दोनों बच्चों के बाल कितने प्यारे हैं इनके मम्मी से पूछना पड़ेगा इनको ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ता ना दिमाग पर इसलिए इनके बाल अच्छे हो रहे हैं माशाल्लाह और बिलाल का इंटरेस्ट किस तरफ है थोड़ा सा बताएं क्योंकि ये सबसे छोटू है ये छोटू है सबसे तो सब जिन जिनके ना इनने इनने वाले छोटू है ना वो जरा गौर से सुने अच्छा बिलाल को भी आए हुए टाइम हो गया ये और छोटे आए थे और छोटे आए थे अब ये आ गए थोड़े बड़े हो गए और अच्छा करते हैं बिलाल बिलाल करके दिखाएंगे क्वेश्चन करेंगे कुछ बिलाल थोड़ा सा स्लो करते हैं क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो इनसे थोड़ा स्लो करते हैं चलेगा बिलाल एंड आयशा विल डू द सेम थिंग क्योंकि ये लोग सेम एज ग्रुप है हमारे पास ओके आयशा रेडी On analysis, question is 5 plus 1 plus 1 minus 7 plus 2 plus 1 plus 1. On. Very good. Very nice. अच्छा मुझे ये लगा था कि बिलाल और आयशा ना इन दोनों का बिल्कुल मूड नहीं आज हम लोगों से बातें करने का लेकिन नहीं बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह और टीचर्स हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ और ये बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं पेरेंट्स का इंटरेस्ट बहुत है एंड वी इनकरेज पेरेंट्स के वो वीकेंड्स पर लोगों को लेकर आते हैं दे आर टेकिंग दीज क्लासेस आज भी हमारे रिक्वेस्ट पे दे आर कमिंग दे केम हियर बिकॉज़ स्कूल था बट दे केम हियर बिकॉज़ वी वांट टू शो वर्ल्ड पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है
नॉट ओनली अदर वर्ल्ड. और जब भी क्लास खत्म हो रही होती है तो पेरेंट्स लाजमी आप लोगों से सिर्फ बच्चों को लेकर के नहीं भागते वापस चले जाते हैं, मिलकर जाते हैं, बात करते हैं. अच्छा लास्टली सबसे छोटा बच्चा कितने साल का आपके पास आ सकता है? फोर ईयर से पहले नहीं आ सकते. असल में फोर ईयर से पहले बच्चे को ना सेंस इतना नहीं होता, काउंटिंग का सेंस नहीं होता. okay. इसका सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है दैट यू चिल्ड्रन मस्ट नो काउंटिंग. नंबर्स आते होंगे, उसके अलावा प्लस माइनस नहीं आता होगा. तो आप ये गुफ्तगू तो रही लेकिन हम विजिट करेंगे इनका. जरा बहुत शुक्रिया आप समय आपका और अमेजिंग बच्चों से मिलेंगे. बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिनके पेरेंट्स ने यहाँ पे भेजा. और अभी छुट्टी नहीं हुई है, दो मिनट बैठे पहले हम दोनों खबर कर रहे होंगे फिर भागेगा एकदम से, नहीं भाग के जाएंगे. अच्छा हम ना अब बात करेंगे उनकी.